नमस्कार, मैं हूं बेबी कुमारी और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। बड़ी खबर है, आईपीएल में मोबाइल और पर्ची से सट्टा लगवाने वाले दो लोगों को चकेरी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चकेरी थाना क्षेत्र में आईपीएल मैच में व्हाट्सएप और मोबाइल के द्वारा पर्चियों से सट्टा लगवाने वाले दो सटोरियों को चकेरी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एएसपी कैंट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि चकेरी थाना इलाके के पोखरपुर व छवैया पुरवा में कुछ लोग मोबाइल व्हाट्सएप व पर्चियों के जरिए बड़े पैमाने पर लोगों का सट्टा लगवा रहे हैं, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर रविवार को पुलिस ने पोखरपुर स्थित जितेंद्र आर्या के घर में छापा मारकर मौके से दो सटोरियों को गिरफ्तार कर थाने ले आई, जहां सटोरियों ने बताया कि वह लोगों से व्हाट्सएप व पर्चियों के जरिए पैसा लेकर आईपीएल में सट्टा लगवाते थे। वही उन्होंने बताया कि पुलिस की पूछताछ में उन लोगों ने बताया कि आईपीएल में लोगों का पैसा लगवाने के लिए पोखरपुर निवासी मोशून्य आरिफ खान उन्हें 2-5% देता था। मोशून्य आरिफ के लिए ही दोनों सटोरी आईपीएल में बुक लगवाते थे। एएसपी कैंट ने बताया कि मोशून्य आरिफ को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है, जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वही पुलिस ने पकड़े गए सटोरियों के पास से 3,45,000 रुपए नकद, 3 एंड्रॉइड फोन व शास्त्र लाइसेंस की फोटोकॉपी और डायरी पर्ची बरामद की है। पुलिस ने दोनों सटोरियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। कानपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। तलाश भी की गई और जो अभियुक्त फरार हो गया मोहम्मद आरिफ खान, उसकी तलाश की जा रही है और आगे की भी कार्रवाई भी की जा रही है। सर, जो खिलाड़ी हैं किस तरह से खेलते थे, फोन का इस्तेमाल करते थे, ऑनलाइन था, कोई आके खेलता था, किस तरह का सट्टा था इनका? जो मॉडल ऑपरेंडी है कि ये फोन पे ही सट्टा लगाते थे, फोन पे किसी ने फोन किया तो इन्होंने लगा दिया उसके नाम से। उसकी पूरी एक एक्सेल शीट जैसे बनाते हैं कंप्यूटर में, वैसे इन लोगों ने एक हार्ड कॉपी में एक्सेल शीट बना रखी है। उसमें नाम और कौन व्यक्ति कितना पैसा लगा रहा है, किस चीज़ पे पैसा लगा रहे हैं, पूरा नोट करते हैं। और अगले दिन जो पूरे उस दिन का जो समरी होता है, कितना पैसा किस पे बनता है, कितना पैसा किसने जीता, कितना हारा, पूरी समरी बना के अगले दिन फिर ये पैसे का लेन देन होता है। जो हार गया वो पैसा देता है, जो जीत गया उसको पैसा मिलता है। इनको कमीशन के तौर पे ये बता रहे हैं कि 3% से 5% की कमीशन इनको मिलती है, जो कि इनका इनके ऊपर जो बैठा बॉस जो फरार हो गया मोहम्मद आरिफ वो इनको देता है। सर, सटोरियों पे लगातार सिकंजा कानपुर की पुलिस कस रही है, ये तीन आरोपी भी आपने बताए हैं, और कितना बड़ा नेटवर्क है इनका? अब मोहम्मद आरिफ मिलेगा तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये मोहम्मद आरिफ के नीचे ही काम करते थे, तो ऊपर के नेटवर्क के बारे में इनके पास कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। मोहम्मद आरिफ की तलाश जारी है। मोहम्मद आरिफ के ऊपर 307-302 के भी मुकदमे पूर्व में दर्ज है। उसकी एक DBBL लाइसेंस भी है, उसके लाइसेंस कैंसिलेशन का हम प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी लाइसेंस भी कैंसिल कराएंगे। और अगर वो जल्द मिल गया तो फिर उसके कनेक्टेड जो नेटवर्क हैं उनको भी जानकारी करके हम गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तारी कहाँ से हुई इनकी? गिरफ्तारी इनके घर से ही हुई है। इस गिरफ्तारी के लिए हमने स्थानीय थाना की पुलिस ने DIG महोदय द्वारा एक सर्च वारंट भी उनसे इशू करवाया था, उसके बाद ही दबिश डाली है।